बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। कराने का निर्णय ले लिया है, ये आप लोगों को मालूम है। ऐसे में इन परीक्षाओं के शामिल होने वाले लाखों छात्रों या उनके अभिभावकों से मेरा यही कहना है कि अब वे इन परीक्षाओं की हर प्रकार की तैयारी में पूरे जी जान से लग जाएं। और दूसरी तरफ केंद्र व राज्य सरकारों से भी मेरी खास अपील है कि वे इन परीक्षाओं की हर प्रकार से ऐसी तैयारी व व्यवस्था करें जिससे देश के भविष्य ये छात्र पूरी तरह से सुरक्षित रहें, जो कि बहुत ही जरूरी है। सरकार को इसके लिए हर प्रकार के जरूरी कदम निश्चय ही उठाने चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि इन परीक्षाओं के महत्व को देखते हुए अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार इन परीक्षाओं में बाहर से शामिल होने वालों को विशेष वंदे भारत विमान सेवा के माध्यम से लाया जाए ताकि वे यहाँ अपनी परीक्षा दे सके। इसलिए सरकारी स्तर पर हर प्रकार का एहतियात व सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार कोरोना प्रकोप से जहाँ देश का आम जनजीवन व अर्थव्यवस्था आदि बुरी तरह से प्रभावित होकर चरमरा गई है, वहीं हर स्तर की शिक्षा व्यवस्था भी लगभग धराशायी सी हो गई है। इस कारण जहां ज्यादातर सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं, देश में ज्यादातर सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन उनमें से कुछ सरकारी स्कूल व लगभग सभी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से फीस लेने आदि के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जबकि देश के करोड़ों छात्रों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप व स्मार्टफोन आदि की सुविधा नहीं है तथा इंटरनेट की सुविधा भी देश में काफी असंतोषजनक है, जिससे छात्रों व उनके परिवारों की परेशानी को समझा जा सकता है। इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों को इस संबंध में नियोजित तौर पर स्कीम लागू करें तो ये आगे के लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही खासकर उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी यहाँ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहा है, और अब तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी आए दिन, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, इसके साथ ही खासकर उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी यहाँ अपराध थमने के नाम नहीं ले रहा है, और अब तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी आए दिन यहाँ हत्या व जुल्म जाति आदि के शिकार हो रहे हैं, जो प्रदेश की ये अति दुखद स्थिति है। आजमगढ़ मंडल में पत्रकार की हुई हत्या इसका ताजा उदाहरण है। वैसे भी यूपी में सरकार की बदहाली का हाल ये है कि बात बात पर रासुका, देशद्रोह व अन्य प्रकार की अति संगीन धाराओं के इस्तेमाल करने के बावजूद भी यहाँ हर प्रकार के अपराध यूपी में कम होने का नाम नहीं ले रहे, अर्थात अपराध, हर प्रकार के अपराध बड़े पैमाने पर बढ़े हैं, अर्थात यूपी में कानून का अनुचित जातिगत व द्वेषपूर्ण इस्तेमाल होने के कारण लोगों में ना तो कानून का डर बचा है और ना ही कानून का राज ही यहाँ रह गया है। आम जनता त्रस्त है, वह इसमें बुरी तरह से पिस रही है, इसलिए सरकार अपनी कार्यशैली में आवश्यक सुधार करे तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद
केंद्र व उत्तर प्रदेश तथा देश के अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ही आसीन रही है, सत्ता में रही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आसीन रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये मालूम है। लेकिन इस पार्टी के लंबे अरसे के रहे शासनकाल में भी यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। विशेषकर दलितों व आदिवासियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा तक भी पूरा नहीं किया गया था, जब कांग्रेस सेंटर और ज्यादातर राज्यों में सत्ता में थी। अन्य पिछड़े वर्गों को भी इस पार्टी के शासनकाल में आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं की गई थी। इनकी कांग्रेस की सरकार में ही पहले काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ऐसी जातिवादी मानसिकता से दुखी होकर ही फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्र में अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था। इसी कांग्रेसी सरकार में मुस्लिम समाज के लोग भी सरकारी नौकरियों में धीरे धीरे काफी कम हो गए थे। साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगों में भी खासकर कमजोर वर्गों के लोगों को ही अधिकांश आगे करके इनको काफी जानी माली नुकसान भी पहुंचाया गया है। इसके साथ ही इन सभी वर्गों की विकास व उत्थान के लिए बनी योजनाएं भी ज्यादातर सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह गई थी। किसान, मजदूर, व्यापारी व अन्य मेहनत कश लोग भी काफी ज्यादा दुखी थे। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर व बेरोजगार लोग दुखी होकर अपनी रोटी रोजी के लिए अपने राज्यों से पलायन करके देश के बड़े बड़े महानगरों में जाकर बस गए, जिनकी अब केंद्र में वर्तमान भाजपा सरकार व राज्यों में भी भाजपा सहित अन्य विभिन्न दलों की सरकारों के चलते हुए कोरोना महामारी की वजह से काफी दुर्दशा देखने को मिली है। इसके अलावा पूरे देश में विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के ऊपर हर स्तर पर हुई जुर्म जाति भी कांग्रेसी सरकार में काफी ज्यादा चरम सीमा पर थी। इस मामले में कांग्रेस पार्टी की सरकार में इन्हें न्याय मिलना था, जो वीकर सेक्शन के लोग थे इन्हें न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इनकी ज्यादातर FIR तक भी थानों में दर्ज नहीं की जाती थी जब कांग्रेस पावर में थी। ऐसे हालातों में ही फिर इनके हितों में माननीय श्री कांशीराम जी को 14 अप्रैल सन 1984 को BSP का गठन करना पड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आगे चलकर कांग्रेस पार्टी की तरह ही कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के सत्ता में आने के बाद भी खासकर कमजोर वर्गों का ना तो कोई खास विकास व उत्थान आदि हुआ और ना ही इनके ऊपर जुल्म जाति आदि होनी भी बंद हुई है, और इनका लगातार अभी भी हर स्तर पर काफी पतन हो रहा है, शोषण हो रहा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में तो दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लोग जो इनकी पार्टी व सरकार के विरोधी होते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार के जो विरोधी होते थे, तो वे स्थानीय निकायों में अपना पर्चा तक भी आसानी से दाखिल नहीं कर पाते थे। इसके साथ ही उस दौरान यानी कि सपा शासन काल में उत्तर प्रदेश में हर मामले में वे हर स्तर पर कानून व्यवस्था के नाम पर गुंडा राज चल रहा था, जिसके कारण फिर हमारी पार्टी को सपा सरकार से अलग होना पड़ा था। और ऐसा किए जाने पर फिर मुझे खुद भी इनके गुंडों, बदमाशों व माफियाओं आदि का शिकार होना पड़ा था। और इस मामले में 2 जून 1995 की घटना किसी से छिपी नहीं है, जिससे उस समय प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए
फिर हमें सरकार बनाने के लिए मजबूरी में बीजेपी व अन्य पार्टियों का भी साथ लेना पड़ा था, लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व में बनी सरकार में भी कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर काफी कुछ, कांग्रेस बीजेपी की बनी सरकार भी कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर काफी कुछ चलती हुई हमें नजर आ रही है, जिसके कारण फिर हमारी पार्टी को खासकर यूपी की जनता के हित में 2 जून 1995 की घटना को भी दिल के ऊपर पत्थर रखकर वे इसको किनारे करते हुए फिर से 1993 की तरह यहां सपा के साथ मिलकर इस बार लोकसभा का आम चुनाव लड़ना पड़ा है। लेकिन इसे यूपी की जनता ने सपा के शासनकाल की नीतियों व इनके कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर अपनी नाराजगी जताते हुए इस गठबंधन को दिल से स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण फिर हमें चुनाव के बाद यूपी की जनता के हित में जल्दी ही इस पार्टी से अलग होना भी पड़ा है। ये भी आप लोगों को मालूम है। और अब वर्तमान में यूपी में जो बीजेपी का शासन चल रहा है, तो उससे हर मामले में वे हर स्तर पर वैसे सभी वर्गों व धर्मों के लोग काफी ज्यादा दुखी हैं, लेकिन खासकर कानून व्यवस्था के मामले में तो हमें सपा व भाजपा के शासनकाल में कोई विशेष अंतर नजर नहीं आता है। इस सरकार में भी जातिगत व राजनीतिक द्वेष की भावना से लोगों का शोषण एवं उत्पीड़न आदि होना अभी भी बंद नहीं हुआ है। इस मामले में खासकर दलितों, अति पिछड़े वर्गों, मुसलमानों व अपर कास्ट समाज में से मुख्य तौर पर ब्राह्मण समाज का तो अब हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। आए दिन महिलाओं का भी काफी ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। सरकार दुखी व पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय वर्तमान भाजपा सरकार दुखी व पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय उनके मामलों को ज्यादातर दबाने का ही प्रयास करती रही है, लेकिन उनके मीडिया में उजागर होने खाना पूर्ति ही की जाती रही है और अभी भी की जा रही है, जिससे प्रदेश की जनता इनकी इस कार्यशैली व खराब कानून व्यवस्था से लगातार काफी दुखी व परेशान ही हमें नजर आ रही है। ऐसे में इनकी मदद के लिए मेरा हर घटना स्थल पर ये जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा यूपी में खराब है, हर प्रकार का क्राइम बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था तो एक प्रकार से यूपी में दम तोड़ चुकी है, बहुत खराब हालत है और आए दिन बड़े पैमाने पर लोगों के ऊपर जुर्म जाती हो रही है, चोरी है, डकैती है, लूटमार है, हत्या है, महिलाओं के साथ बलात्कार है, ये आदि घटनाएं एक आम हो गई है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं वर्तमान में, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन किसी हर जिले के अंदर कोई ना कोई घटना ना होती हो, बहुत बुरा हाल है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हूं, तो उत्तर प्रदेश की जनता को अभी मेरी हुकूमत याद आ रही है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो लेकिन जो वर्तमान में भाजपा सरकार में जो कानून व्यवस्था बुरी तरीके से दम तोड़ चुकी है, हर प्रकार का अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में यूपी की जनता ये चाहती है कि भी बहन जी हर स्थल जहां पर भी ये घटना घटती है तो हर जगह वो आए। ऐसे वर्तमान हालातों में उनकी मदद के लिए, जनता की मदद के लिए मेरा हर घटना स्थल पर जाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी पार्टी संगठन का कार्य देखने के साथ ही सभी राज्यों में भी मुझे खासकर कमजोर वर्गों के ऊपर आए दिन हो रही जुर्म जाति के मामलों में भी काफी पैनी नजर रखनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के वर्तमान में चल रहे जंगल राज से दुखी व पीड़ित जनता के हितों में आवाज उठाने व उन्हें न्याय दिलाने के लिए तथा इस मामले में सरकार पर कुछ हद तक अंकुश लगाने के लिए भी यहां उत्तर प्रदेश के बीएसपी के कुछ वरिष्ठ लोगों को
प्रत्येक समाज के हिसाब से आज उनको न्याय दिलाने के लिए आज उनको अधिकृत किया जा रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग समाज के हिसाब से अधिकृत किया जा रहा है। जो वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस समाज के लिए हम उनको अधिकृत करेंगे, जो पूरे उत्तर प्रदेश में संबंधित समाज के किसी भी व्यक्ति पर उसे अन्याय व अत्याचार के अति गंभीर वे अति संवेदनशील मामलों में घटना स्थल पर पहुंचकर उसे न्याय दिलाने के लिए जो पूरे उत्तर जिनको मैं अधिकृत करूंगी प्रत्येक समाज के हिसाब से, तो उनका काम क्या होगा? जो पूरे उत्तर प्रदेश में संबंधित समाज के किसी भी व्यक्ति पर उसे अन्याय व अत्याचार के उसे अन्याय व अत्याचार के अति गंभीर व अति संवेदनशील मामलों में घटना स्थल पर पहुंचकर उसे न्याय दिलाने के लिए तथा कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करते हुए अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाएंगे जिनको अधिकृत किया जाएगा। लेकिन अति गंभीर व अति संवेदनशील मामलों को छोड़कर वहां पर तो ये लोग घटना स्थल पे जाएंगे जिनको मैं अधिकृत कर रही हूँ, जो अति गंभीर मामले होंगे अति संवेदनशील होंगे। लेकिन अति गंभीर व अति संवेदनशील मामलों को छोड़कर बाकी छोटे मामलों में भी वे टेलीफोन के जरिए वहां के पुलिस व प्रशासन से बात करके उनको न्याय दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और ये विशेष व्यवस्था हमारी पार्टी को मजबूरी में यहाँ प्रदेश की, यहाँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वे अपराध नियंत्रण की स्थिति अति खराब व दयनीय होने की वजह से वे इससे दुखी व पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के खास मकसद से ये करनी पड़ रही है। और लेकिन इसके लिए ये भी मैं बताना चाह रही, जिनको हम प्रत्येक समाज के हिसाब से बीएसपी के जिन वरिष्ठ लोगों को अधिकृत किया जाएगा, लेकिन इसके लिए हमारी पार्टी के अधिकृत किए गए लोग घटना स्थल पर कोई धरना प्रदर्शन आदि नहीं करेंगे। ये मेरे सख्त निर्देश हैं। कर्फ्यू के दौरान वे घटना स्थल पर कतई भी नहीं जाएंगे। कर्फ्यू हटने के बाद पीड़ित परिवार से मिलकर वे उनसे सही तथ्यों की जानकारी हासिल करके वहां के संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे तथा इसकी मीडिया को भी सही जानकारी देंगे। न्याय नहीं मिलने पर फिर ये मामले विधानसभा सत्र के दौरान दोनों सदनों में भी उठाए जाएंगे। और पार्टी में इसके लिए, पार्टी बीएसपी में इसके लिए प्रत्येक समाज के हिसाब से जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वह इस प्रकार से है। दलित वर्ग के लिए, एससी एसटी के लिए, दलित व आदिवासी वर्ग के लिए श्री गयाचरण दिनकर, जो बांदा के रहने वाले हैं श्री गयाचरण दिनकर पूर्व बीएसपी एमएलए को, पिछड़े वर्गों के लिए श्री लालजी वर्मा वर्तमान में बीएसपी एमएलए व विधानसभा में बीएसपी के नेता को, मुस्लिम समाज के लिए लखनऊ मंडल व पश्चिमी यूपी के चार मंडलों में श्री शमसुद्दीन राइन को, प्रदेश के बाकी 13 मंडलों में श्री मुनकाद अली को, जो वर्तमान में यूपी के बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इनको, तथा ब्राह्मण समाज व अन्य तथा खासकर ब्राह्मण समाज व अन्य अपर कास्ट समाज के लिए श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को, जो वर्तमान में बीएसपी के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव भी हैं इनको इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही जब ये लोग अलग अलग से किसी भी अति गंभीर व अति संवेदनशील मामले में घटना स्थल पर जाएंगे, जिनको जिस समाज के लिए अधिकृत किया गया है, यदि उनके पर जब जुल्म जाती होती है, अति गंभीर अति संवेदनशील मामला है, तो जब ये लोग अलग अलग से किसी भी अति गंभीर यानी कि अपने अपने समाज में किसी भी अति गंभीर व अति संवेदनशील मामले में घटना स्थल पर जाएंगे, तो वहां बीएसपी के स्थानीय सेक्टर मुख्य प्रभारियों को भी साथ में लेकर जरूर जाएंगे। ये भी मैं जिनको अधिकृत किया ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। और जिस जिले में घटना हुई है तो वहां बीएसपी के जिला अध्यक्ष को भी साथ में लेंगे। अंत में अब मैं यही कहना चाहूंगी,
कि इन सब प्रयासों के बावजूद भी ये जो हमने थोड़ी व्यवस्था की है लोगों को न्याय दिलाने के लिए, जहां जहां पूरे प्रदेश में जो जुर्म जाति हो रही है, हमारी पार्टी ने, क्योंकि हर जगह तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन जहां जहां भी ये अति संवेदनशील और अति गंभीर मामले होंगे तो मैंने बहुजन सर्व समाज में से, तो प्रत्येक समाज के हिसाब से मैंने कुछ जिन लोगों को, पार्टी के वरिष्ठ लोगों को अधिकृत किया है, तो वो लोग जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनको न्याय दिलाने का, वहां के जो पुलिस प्रशासन है उनसे भी बातचीत करके उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इतना ही नहीं, वहां पर मीडिया को भी सही तथ्यों की जानकारी देंगे। मुझे लगता है इससे काफी कुछ हमारे लोगों को, पूरे प्रदेश में सब समाज के लोगों को जो आए दिन जुर्म जाती है इनके ऊपर हो रही है, उनको न्याय मिलेगा। अंत में अब मैं यही कहना चाहूंगी कि इन सब, अब ये हम प्रयास कर रहे हैं, ये भी हम लोग, मैं मीडिया में भी बोलती रहती हूँ, ट्वीट भी करती रहती हूँ, तो हर तरीके से हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि लोग जुर्म जाति से कैसे भी करके निजात पा जाए, लेकिन हो नहीं रहा। अंत में अब मैं यही कहना चाहूंगी कि इन सब प्रयासों के बावजूद भी, खासकर जुर्म जाति एवं अन्याय व अत्याचार के मामले में, यदि वर्तमान भाजपा सरकार में, यदि वर्तमान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में सर्व समाज में से किसी भी समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, तो फिर उन्हें आगे चलकर बीएसपी की सरकार में जरूर न्याय दिया जाएगा। इस आश्वासन के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।